वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एस के एम स्टडी पर फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 मॉडल पेपर इंग्लिश। ठीक है, यानी कि इसमें आपको अगर एग्जाम में 100 मार्क्स पाना है, कितना 100 में से 100 मार्क्स पाना है, एकदम 90 अगर श्योर है, 95% अगर आपको पाना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं, चैनल को शेयर करते चलेंगे। सबसे पहले इसमें बात करने वाले स्टूडेंट्स आपके जो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको बात करेंगे। उसके बाद इसमें मॉडल पेपर में आपको टोटल मॉडल पेपर दे दिया जाएगा कि इस मॉडल पेपर से आपको कितने प्रश्न, कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, अब आपको तैयारी इसी के अनुसार कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर अगर इसका PDF अगर पाना चाहते हैं, आप लोग एस के एम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी जाना है, वहाँ पे इसका PDF जो है फ्री ऑफ कास्ट, आप वहाँ से डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उसका टाइम देखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं, और देखिए उसका चलते हैं, स्टार्ट करते हैं किसमें इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, आपको टोटल इसमें टाइम 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, और देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 का होगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम कितना 100 नंबर का होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट 15 मिनट यानी कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी आपका जो शुरू का 15 मिनट रहेगा वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आपको जो भी पेपर मिलेगा उसमें इंट्रक्शन दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, आल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी यानी सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके मार्क्स आपके सामने दिए रहेंगे। चलिए पहले सेक्शन ए में चलते हैं। सेक्शन में आपका क्या आएगा, रीडिंग से आएगा। देखिए रीडिंग का क्या है कि रीडिंग में देखिए क्या दिया जाएगा आपको, उसमें आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, यानी क्या करना है कि इसमें आपको जो पैसेज दिया गया है इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए आपको कई पैसेज से हम पढ़ाए हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन भी कराया गया है, आंसर भी कराया गया है। देखिए इसमें आपको टोटल कितने प्रश्न मिलने वाले हैं और कितने नंबर के मिलने वाले हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए आपको देखिए 3-3 नंबर के जो प्रश्न होंगे इसके अनुसार आपको सॉल्व करने होंगे। आपको पैसेज को पढ़ लेना है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छी तरीके से इनका आंसर देना है। जैसे इसमें दिया है, वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल्स। ठीक है, यानी ठीक है ग्रेगरियस एनिमल्स। देखिए अब इसके बारे में आपको इस पैसेज में दिया रहेगा। ठीक है, इस पैसेज से आपको छांट करके आंसर को देना है। अब आगे चलिए देखिए, अब देखिए उसके बाद क्या आता है, इसमें टोटल आपको कितने आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, यानी 12 नंबर का ये टोटल आएगा। अब देखिए उसके बाद एक एक नंबर की आपको मीनिंग्स पूछी जाएगी, उसका मीन मान क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। 3 नंबर का ये हो गया। ठीक है, आप समझते चलिए कन्या नंबर कौन कौन से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आपको सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको राइटिंग करना होता है, पहले में रीडिंग आपको पढ़ के करना है, उसके बाद अब सेक्शन बी में क्या आता है, राइटिंग का आपको करना होता है। राइटिंग मतलब क्या होता है, आपको लिखना होता है इसमें कि ठीक है, उसमें आपको रीडिंग करके लिखना होता है, इसमें आपको राइटिंग करके लिखना होता है, यानी कि राइटिंग आपको लिखना आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 words, यानी कि आपको एक आर्टिकल लिखना है। अब वो आर्टिकल कितना होगा, 10 मार्क्स का होगा। आपको देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं, तीनों में से किसी एक का आपको लिखना होगा। जैसे देखिए, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ आवर माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, तो आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको इस पर आर्टिकल लिखना है। उसके देखिए अगला क्या आता है, तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, ये भी राइटिंग में आता है हमारा, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज डिस्पोसिबल वायर्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर डिस्पोजेबल
वाह यार, अब यहाँ पे आपको राइटिंग लिखना है, जो हमारा क्या है लेटर लिखना है। लेटर लिखने के बाद अब देखो दूसरा भी आपको दो चीज़ें, इसमें दो लेटर दिया रहेगा जिसमें से आपको एक करना रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स ऑफ इन द लाइब्रेरी, ठीक है। ये हो गया, अब चलिए आगे चलिए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में देखिए क्या होगा, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए अब क्या होगा, द ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखिए अब इस पे आपको छांट कर क्या रखना है, लिखना है। अब देखिए इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितने नंबर के, दो नंबर के मिलेंगे, 5×2, ठीक है। अब आपको इसमें 5 नंबर के दो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 10-10 नंबर का ये मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 क्वेश्चन दिया है इसमें से, अब आपको इसमें से 5 नंबर का यानी कि एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, आपको 10 नंबर इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए सेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें से क्या करना है कि दो चीज़ देखिए, एनी वन ऑफ द, देखिए इसमें दो दो दिया है तो इसमें आपको एक का क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत नॉर्मल दिया है, नॉर्मल आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बी में क्या दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, इसको कम्प्लेक्स बनाना है, इसको कंपाउंड बनाना है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए ग्रामर में आप लोग को एक बार ध्यान देना है, ग्रामर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रूल्स होते हैं, उसमें रूल्स को आपको याद करना होता है। अब देखिए सी नंबर में क्या आएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। अब देखिए इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, पैसिव वाइज में इसको चेंज करना है, इसको कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू आर सेरियन सीनियर देन मी, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये हो जाएगा। अब देखिए ई नंबर में क्या आएगा, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। अब देखिए रिफ्यूज रिफ्यूज सेल सेल, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या आता है, मेन टॉपिक आपको 5 नंबर क्या आता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बहुत नॉर्मल पूछा जाता है और आपको 5 नंबर देखा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, उसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उससे पूछा कि अपनी सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, अब देखिए अब आपको लिटरेचर में आ जाते हैं। लिटरेचर में देखिए सबसे पहले आपको सातवें नंबर में 40 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 वर्ड में लिखा जाएगा, जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे। आपको इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल आपको इसमें 8 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, आप यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें, उसको भी समझ लेते हैं। अब 8 नंबर चलते, देखिए इसमें केवल एक क्वेश्चन करना होगा आपको, 80 वर्ड में लिखना होगा, जो कि आपको 7 नंबर इसमें मिलने वाला है। अब देखिए रीड द एक्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द फॉलो। अब इसमें देखो तीन नंबर के दो प्रश्न मिलेंगे, दो दो नंबर के मिलेंगे, आपको 6 नंबर इसमें मिलने वाला है। तो आपको ये पोइट्री है, पोइट्री के अनुसार पर आपको प्रश्न को लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, टोटल चीज़ें आपको समझा दिए जा रहे हैं इसमें। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। अब इन तीनों पोएम में से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। आपको किन्हीं में से एक हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको किसी ना किसी का सेंट्रल आइडिया जरूर मिलेगा, जो कि हम देखिए यहाँ पे कुछ फंस भी द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का हमने सेंट्रल आइडिया करा दिया है, आपको लोग जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चलिए देखिए 11 नंबर में क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। इसको 40 वर्ड मिल रहा है, क्योंकि 4-4 नंबर का मिलेंगे, आपको 8 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फ्यूचर्स अंटार्कटिका, ठीक है।
अब चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर में, देखिए क्या है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स। ये देखिए 80 वर्ड में लिखना है आपको, ये करना होगा और इसमें 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्न, आपको देखिए ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि इसमें आपको टोटल मॉडल पेपर को समझा दिया गया है। ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है क्योंकि आपको जानना जरूरी होता है कि मॉडल पेपर कैसे आता है। तो आप तो लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। जय हिंद जय भारत।